Next question. Question says charge Q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with a uniform frequency f hertz. सवाल ये the magnitude of magnetic induction at the center of ring वो क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है. ये बात अपने को पता है कि मान लीजिए ये आपकी रिंग है. इस रिंग के ऊपर आपने Q चार्ज दे दिया है और ये मान लीजिए आपकी ओमेगा से या फिर 2πf ओमेगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से, f फ्रीक्वेंसी से अगर ये रोटेट कर रही है तो इसको जो है इसकी इक्वलेंट वैल्यू करंट की हम लिख सकते हैं q मल्टीप्लाइड बाय f फ्रीक्वेंसी. और अगर आपका कोई एक चार्ज है वो ऐसे घूम रहा है जिसका चार्ज q है, f आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसका करंट ये हो गया. उस केस में हम ये कह सकते हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. बस ये आई की वैल्यू यहाँ रख के अपना फाइनल आंसर आ जाएगा. So this will be equal to mu naught QF divided by 2R. So based on this हम कह सकते हैं option number B, mu naught QF divided by 2R would be the right answer.